स्टूडेंट्स वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट्स एसएससी का एक नया नोटिफिकेशन आ गया है, एसएससी का स्टेनोग्राफर, जी हाँ बिल्कुल आ गया है। आइए इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं, नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या आया है। सबसे पहले यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आज से 2 अगस्त से लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने की, 23 अगस्त, तो 23 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए आया है जिसमें ग्रेड सी एंड ग्रेड डी दोनों के लिए ये वैकेंसी निकलती है। इसका जो पेपर होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो ऑनलाइन पेपर होगा वो अक्टूबर में पहला पेपर इसका होगा। तो स्टूडेंट्स डेट्स आपको पता चल गई, 23 अगस्त तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले वैकेंसी देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टेनोग्राफर सी के अंदर कितनी वैकेंसी आई है। स्टेनोग्राफर सी के अंदर आपके पास 93 वैकेंसी आई है। तो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी आई है। जैसे सबसे पहले आपके पास है सेंट्रल एडमिन ट्रिब्यूनल, जिसके अंदर एक वैकेंसी है, यहाँ पे ज्यादा वैकेंसी आपको दिख रही है 25। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसके अंदर आपको 25 वैकेंसी दिख रही है। ऐसे ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में 2 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज भी आप वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। इनका जो ग्रेड पे होता है स्टार्टिंग वाले का, आप देखेंगे कुछ पोस्ट का 4600 है और कुछ पोस्ट का अगर आप देखेंगे तो 4200 है, राइट। स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 9300 अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आप देखेंगे तो यहाँ 30 वैकेंसी है जिसमें से जनरल की 14 है। तो ये है आपके पास वैकेंसी फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। अब बात करते हैं ग्रेड डी की, तो ग्रेड डी में बहुत सारी वैकेंसी है, 1100 वैकेंसी यहाँ पे है, राइट, 1100 वैकेंसी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग फिर से आपको डिपार्टमेंट दिखेंगे, जैसे सीबीडीटी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, इसमें आपको 392 वैकेंसी दिख रही है। जहां पे ज्यादा वैकेंसी है मैं आपको वो डिपार्टमेंट बता रहा हूँ, डीओपीएनटी के अंदर 427 वैकेंसी है। ऐसे अगर आप देखेंगे मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो 48 वैकेंसी है। टोटल ऐसे ही अगर आप हर डिपार्टमेंट में टोटल देखें तो ग्रेड डी के लिए 114 है, जबकि ग्रेड सी के लिए आपके पास 93 वैकेंसी थी। तो टोटल आपके पास 1200 से ज्यादा वैकेंसी है, राइट। सो स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहली जो स्टेनो की एलिजिबिलिटी है वो ये है, ग्रेजुएशन यहाँ पे नहीं चाहिए। एनी प्लस टू, किसी के पास भी प्लस टू है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो स्टूडेंट ये एक ऐसा फॉर्म है जो हर प्लस टू पास बच्चा, 12th पास वाला बच्चा भर सकता है, इस पेपर के लिए ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, राइट। इसमें पर आपको स्टेनो सीखनी होगी, स्टेनो का एक पेपर होगा वो आपको आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आइए डिटेल में देखते हैं, सबसे पहले एज लिमिट देखते हैं। यहाँ पे 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, कब, 1 अगस्त को। आपका डेट ऑफ बर्थ इससे पहले नहीं होना चाहिए, 2 अगस्त 1993 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। मिनिमम उम्र आपकी 18 साल, मैक्सिमम 30 साल। ये है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए, लेकिन ग्रेड डी के लिए ये 18 से 27 साल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2023 के बाद नहीं होना चाहिए और 2 अगस्त 1996 से पहले नहीं होना चाहिए। इसमें भी ऐसा है, 1 अगस्त 2023 के बाद, सॉरी यहाँ पे अगर हम डेट देखें तो ये 1 अगस्त 2023 को कट ऑफ डेट दी गई है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी गई है, 2 अगस्त 1993 से पहले नहीं और 1 अगस्त 2005 से बाद में नहीं। सेम यहाँ पे भी 1 अगस्त 2023 को आपकी डेट देखी जा रही है, आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1996 के पहले नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम 27 और ग्रेड सी में है 18 से 30, तो 30 साल और 27 साल आपकी एज लिमिट है मैक्सिमम। जो रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी को मिलता है, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, ऐसे आप देख सकते हैं आपको यहाँ रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, जैसे मैंने आपको बोला 12वीं पास चाहिए बस, कहीं से भी आपने पास की हो, इवन अगर आपने ओपन या फिर डिस्टेंस से भी करी है 12वीं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 अगस्त, कोई भी 12वीं पास बच्चा इसको भर सकता है। तो 12वीं पास पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है स्टूडेंट, और क्या चाहिए आपको,
बस मेहनत करनी है। ये एक ऐसा पेपर है स्टूडेंट, इसके पेपर पैटर्न के अंदर क्या क्या होगा, पहले आपको स्टूडेंट्स एक पेपर देना होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। इसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा जिसमें आपको स्टेनो टाइपिंग करके दिखानी होगी। तो दोस्तों आप पहले इसकी तैयारी करिए, साथ साथ स्टेनो भी आप सीख सकते हैं, स्टेनो भी आप साथ साथ जो है उसको सीखा जा सकता है। इस पेपर में अगर आप देखें तो रीजनिंग, जीए और इंग्लिश आएगा, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश यहाँ पे आएगा। एक ऐसा पेपर है यहाँ पे क्वांट नहीं आता है, मैथ्स नहीं आता है। जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है उनके लिए ये पेपर बहुत ही अच्छा है। सो मैथ्स इस पेपर में नहीं होता है, जो बच्चे मैथ्स नहीं समझ पाते आई थिंक उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया जॉब है स्टेनोग्राफर, क्योंकि इसमें सिर्फ रीजनिंग, जीए और इंग्लिश आएगा। यहाँ पे इंग्लिश के 100 क्वेश्चन जो आएंगे वो 100 नंबर के आएंगे, वो ज्यादा वेटेज का है। रीजनिंग और जीए 50-50-50-50 नंबर के आएंगे, 2 घंटे का ये पेपर है, ठीक है। इसमें ना बच्चों नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/3 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। सिलेबस आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, रीजनिंग में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस है, जैसे कि एसएससी के सारे पेपर में होता है। नॉन वर्बल ज्यादा पूछा जाएगा, एनालॉजी जो है वो ज्यादा पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन जो है उसके सवाल ज्यादा आएंगे, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे ही रैंकिंग, ये वाले सवाल जो है ना ये आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। पूरा सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपका स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च, ये सब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। इंग्लिश के अंदर आपका जो है ग्रामर पे बेस होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो कैप पूछा जाएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, करेक्ट यूसेज इसका पूछा जाएगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, तो ये आपको यहाँ पे मिलते हैं, राइट। तो ये था हमारा सिलेबस। अब जो हमारा स्किल टेस्ट होगा स्टूडेंट्स, वो दोनों ही पोस्ट के लिए होगा, सी ग्रेड सी के लिए भी और ग्रेड डी के लिए भी। जो पहला पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे अब आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपको टाइपिंग करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है इसकी इंस्ट्रक्शन, कि कैंडिडेट को एक डिक्टेशन लिखना होगा 10 मिनट के अंदर इन इंग्लिश और हिंदी, जो आप लैंग्वेज चूज करेंगे उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी में 10 मिनट का ये लिखना होगा, जिसमें आपकी स्पीड आनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट, 100 वर्ड्स पर मिनट फॉर पोस्ट सी ग्रेड सी के लिए, और 80 वर्ड्स पर एनम जो है यहाँ पे आपकी स्पीड आनी चाहिए ग्रेड डी के लिए, ठीक है। और ये आपका सारा कंप्यूटर पे होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग से आपको टाइम ड्यूरेशन भी दिया गया है। इंग्लिश के लिए आपको टाइम 50 मिनट मिलेगा डी पोस्ट के लिए, यहाँ पे हिंदी के लिए 65 मिनट मिलेगा, और उस हिसाब से ड्यूरेशन टाइम भी आपको अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पे टाइम थोड़ा अलग है लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। ये जो सेकंड वाला है ये फॉर स्क्राइब हैंडीकैप के लिए टाइम दिया हुआ है, आपका जनरल वाला जो टाइम है वो ये है कि आपको ग्रेड डी के लिए जो टाइम मिलेगा वो 50 और 65 मिनट लैंग्वेज के हिसाब से, ग्रेड सी के लिए 40 और 55 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी में से जो भी चूज करते हैं वो आपको यहाँ पे चूज कर लेनी है। इसके बारे में आपको अलग से बताएंगे कि स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। साथ के साथ जो आपका पहला पेपर था कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर, उसके अंदर आपको मिनिमम जनरल कैटेगरी वालों को 30% लाने हैं, ओबीसी वालों को मिनिमम 25% लाने हैं, बाकी कैटेगरी को 20% लाने हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, सी या फिर डी के लिए, ये आपको फॉर्म भरते टाइम बताना पड़ेगा, राइट। और उसके मार्क्स के बेस पे जो पहला पेपर होगा आप आगे सिलेक्ट किए जाएंगे फॉर स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है देना, लेकिन वो क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। मार्क्स जो आपके फाइनली मिलेंगे वो किस बेसिस पे होंगे, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका परफॉर्मेंस होगा ऑफ द कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसी के बेस पे यहाँ पे मेरिट बनेगी, लेकिन आपको स्किल टेस्ट को क्वालिफाई जरूर करना है। स्टूडेंट एसएससी स्टेनो के आपको आई एग्जाम भी पे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो अभी जाके प्रैक्टिस करिए,
इसके अंदर मैथ नहीं आता है दोस्तों, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जीए आता है, राइट। तो स्टूडेंट अगर आप इसकी कोचिंग करना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर का कोर्स अलग से चाहते हैं, तो आप हमें गूगल फॉर्म, एक नीचे आपको लिंक मिल रहा होगा, उस पे जाके आप डिटेल भर दीजिए। तो जैसे ही अलग से हम स्टेनोग्राफर का कोर्स लॉन्च करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट एक खास बात, हमारे पास एक एसएससी का सुपर पैक कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आपके सारे एसएससी के कोर्स, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आप बहुत सारे एग्जाम देते होंगे, तो इन सब की कंबाइंड प्रिपरेशन एक साथ इस कोर्स में कवर हो जाती है, आप इसे भी देख सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, आप उस सुपर पैक कोर्स को भी देख सकते हैं, और अगर आप सिर्फ स्टेनो का कोर्स चाहते हैं तो आप प्लीज वो फॉर्म भरिए जो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, एक नई वैकेंसी आई है, अब आपको इसकी तैयारी में लग जाना है। अच्छी बात क्या है, 12th पास बच्चा भर सकता है। अच्छी बात क्या है, परसेंटेज नहीं है। अच्छी बात क्या है, मैथ्स नहीं करना, राइट। तो जल्दी करिए, मेहनत करिए और जॉब ले जाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।